हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दोपहर का समय और मैं फटाफट से काम ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है और क्योंकि घूमने जाना है हमें ना, ददरी मेला, जिसका कि मैंने बहुत बार जिक्र किया होगा अपने पिछले एक दो वीडियोस में कि ददरी मेला लगने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे ददरी मेला जाना था सारे बच्चों के साथ, और क्योंकि पापा ने बोला था कि वो हमें लेकर जाएंगे इस बार घुमाने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट ये सब काम ख़त्म कर रही थी। और अपने लिए, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैं अपने लिए खाना वाना जो है वो गर्म कर रही थी। और फिर मैं सोचा कि बर्तन धुल के खाना वाना खा के फिर आराम से हम लोग मस्त मेला घूमने जाएंगे। और युग भी पीछे वहाँ बैठा हुआ था। युग आप लोग को अभी नहीं दिख रहा होगा, युग पीछे बैठा है, उसी रैक पे बैठा हुआ है। और मैंने सोचा कि कोई भी काम क्या होता है ना, कि हम लोग क्योंकि मेला घूमने में ना 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे काम ख़त्म करके ही जाऊंगी ऐसे। क्योंकि जाने पे क्या होता है कि फिर आगे थकान होती है कि फिर मन नहीं करता। और फिर युग के पापा आ गए थे, उनके आने के बाद से ये सब चीज़ें, ये सब काम हो रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ वाईफाई उस दिन लगा, क्योंकि बिना वाईफाई की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और फाइनली वाईफाई लग गया, मेरे मन का काम हो गया जो कि मैं बहुत दिन से चाह रही थी। और यहाँ पे उसी दिन हम लोगों ने एसी सर्विसिंग वालों को भी बुलाया था, तो एसी सर्विसिंग भी हमारा हो गया। हमने सोचा कि ठंडी ख़त्म, गर्मी तो ख़त्म हो गई है और बस करा लेते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए मेला, और ये है मेले की शुरुआत। और मेले की शुरुआत में क्या है ना कि जैसे देखिए यहाँ पे पार्किंग स्टैंड है, तो हम लोग अभी कार से गए थे और हम लोगों ने कार जो है वो पार्क में खड़ा कर दिया था। और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है मेले की, काफ़ी खूबसूरत। और अंदर तो इतनी ज़्यादा और रोशनी होती है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारी लाइट्स अभी नहीं लगी है, बस दुकान दुकान पे लगी है। लेकिन जैसे हम अंदर जाएंगे इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, इतना मज़ा आता है कि आपको खुद देख के लगेगा। और हर दुकान पर क्या होता है ना कि रुक के देखने का मन करता है कि इस शॉप पर क्या है, शॉप पर क्या है, देखा जाए। तो हम लोग हर दुकान पर देखते हुए जाते हैं, और क्या है कि इसको घूमते घूमते इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है ये। और यहाँ पे हर चीज़ है, देखिए लोग वेइंग मशीन लेके बैठे हुए थे जैसे कि, और हर एक चीज़ मिलेगी आपको, छोटी बड़ी हर एक चीज़ मिलेगी। खाने पीने की भी चीज़ें बहुत मिलती है, जैसे देखिए अभी स्टार्टिंग में भेलपूरी लगी हुई है। और ये हमारे यहाँ का प्रसिद्ध खजला, मतलब जो वही एक साल में एक बार मिलता है, ये ददरी मेले के टाइम पे मीठा होता है, नमकीन होता है, खोवे वाला मिलता है ये। तो जैसा जिसको जो पसंद है टेस्ट में वो वैसा लेता है। और मैं तो जब भी जाती हूँ लेकर आती हूँ इसको, मुझे तो नमकीन बहुत पसंद है, नमकीन खजला जो होता है। तो बस ये सब मेले की एक चीज़ें हैं, यादें हैं और मज़ा है मेले की चीज़ें। ये सब क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं, क्योंकि अंदर तो सारी शॉपिंग वाली चीज़ें लगी होती है। ये देखिए दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, मुझे देखा तो मैं सोचा इसको तो शूट करना ही चाहिए मुझे। और देखिए ये यहाँ से जो ये मेन दुकानों की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से मेन मेला है देखा जाए तो, क्योंकि देखिए कितने सारे पर्स, स्लिंग बैग्स हैं, और जो बैग पैक्स होते हैं वो सारे हैं। और यहाँ मुझे थोड़े पिलो कवर, मैंने सोचा थोड़ा लोकल वाले पिलो कवर ले लेती हूँ, कभी कभी क्या होता है डेली यूज़ के लिए सही रहता है। या फिर मान लीजिए हमारे यहाँ पिलोज़ एक्स्ट्रा होते हैं, उनके लिए ये वाले पिलो कवर ना बड़े सही होते हैं। तो मैंने तो ले लिया था 6-7 इसमें के पिलो कवर, बहुत सही लगा था मुझे। और ये है क्रॉकरी शॉप, ऐसी ऐसी क्रॉकरी शॉप तो बहुत सारी होती है, मतलब ये तो अभी पहला है क्रॉकरी शॉप, और ऐसे ऐसे तो मतलब पता नहीं कितने 6-7 तो होते ही हैं वहाँ पर। तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि सब लोग अलग अलग दुकान लगाए होते हैं, अलग अलग प्राइस पे होते हैं, तो आप आराम से कहीं भी कम करा के ले सकते हैं। और देखिए उलन शॉक्स सॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं, आप जैसे कि उधर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसी नहीं कि चीज़ें आपको बहुत महंगी लगेंगी कि अरे यहाँ पे तो बहुत महंगी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एक होता है ना कि अच्छे और अच्छे अच्छे सामान भी मिलते हैं और कम दाम में मिलते हैं। और ये देखिए, और क्या होता है ना कि यहाँ पे जितने भी दुकान वाले हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये जितनी भी जो मेले में लोग हैं वो लोग यहाँ बलिया के लोकल हैं, बलिया के लोकल भी होते हैं। बट जब हम लोगों ने पूछा लोगों से, तो लोग सहारनपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं। जैसे झूले वाले लोग हैं, आपको लैंग्वेज अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी चलती है, बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो भोजपुरी में बात नहीं करते हैं, वो बस हिंदी में ही बात कर पाएंगे आपसे, तो इसलिए पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ के लोकल नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि सबके फ़ायदे होते हैं, हमारा हमको भी बहुत मज़ा आता है। और हमने युग को देखिए बिठा दिया है झूले पर, उस झूल लिया उसने। और ये देखिए हमारी, हम लोग बचपन में बहुत क्या करते थे और अभी तक करते रहते हैं हम लोग, ये निशानेबाजी। तो हुआ कि सब लोग ट्राई करते हैं, कि एक बार बड़े बच्चे सब लोगों ने ट्राई किया इस चीज़ को, कि और बहुत कम लोग के निशान लगे, मुझसे तो एक भी नहीं लग पाया।
शायद एक लगा था, उसके बाद नहीं लगा मुझसे। और देखिए ये हम लोग इनको चिढ़ा रहे थे नेहा को कि ये बंदूक ही उठा ले, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वाकई ये बंदूक बहुत ही हैवी था, मैं भी नहीं उठा पा रही थी इसको, लग रहा था कि मतलब क्या ही ले लिया है, और मुझसे तो लग ही नहीं पा रहा था। फिर अब आती है यू कटन, क्योंकि क्या है ना कि सब अपनी अपनी बारी में अलग अलग तरीक़ों से खेल रहे थे। और युग को देखिए, युग क्या है ना कि वो दूसरे की मेहनत पे खुद मज़ा उठा रहा है, दूसरे लोग कूद रहे हैं और युग जो है खुद ऐसे ही एंजॉय कर रहा है दूसरों के कूदने को, और वो ऐसे ही बैठा था, लेटा था, हम लोग उस पर हंस भी रहे थे कि खुद ही एंजॉय, ऐसे ही एंजॉय कर ले रहा है। और ये देखिए मैं खा रही हूँ गुड़ही जलेबी, इसको बोलते हैं गुड़ही जलेबी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस हम दो लोगों ने खाया, बाकी किसी ने खाया नहीं, मैं और चुनमुन ने, बाकी किसी ने खाया ही नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। युग के पापा तो बहुत थक गए थे, देखिए वो लोग ऐसे एक वहाँ पर ठेला था उस पर बैठ गए। और फिर देखिए यहाँ पे हम लोग रास्ते में जाते जाते दिख गया फायर पान, जो कि पहली बार इस मेले में क्या हुआ था, क्या है ना कि 2 साल के बाद मेला भी लगा है, ये कोविड में सारी चीज़ें चली गई। और ये देखिए जो कि पापा एक्चुअली पानी लेके खड़े थे, और हम लोगों ने सोचा कि फायर पान ट्राई करते हैं, तो बस आ गए सबसे पहले चुनमुन ने ट्राई किया, फिर हुआ कि सारे लोग बारी बारी से खाएंगे, लेकिन ये देखिए, और हम लोग को तो लगता था कि क्या पता मुँह जल जाएगा फायर पान से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखिए सब लोगों ने तो नहीं ट्राई किया, अभी यहाँ पे 2 लोगों ने ट्राई किया, और फिर मैं आगे जाके अभी पान खाऊंगी, मुझे गलत मतलब मैंने उस समय नहीं ट्राई किया, हुआ कि बाद में खा लेंगे, लेकिन मुझे आगे जाके एक और शॉप मिल गई थी तो मैंने वहाँ पर ट्राई कर लिया था। और ये देखिए ये क्या हुआ कि वहाँ पीछे लेडी है ना, वो नेहा से पूछ रही है कि मुँह जला क्या आपका, तो नेहा ने बोला नहीं। और ये देखिए ये दोनों इशारों इशारों में, पान खाने के बाद यही होता है ना, इशारों इशारों में बातें होती हैं बस। और ये देखिए ये हम लोग फाइनली आ गए सबसे मस्त जगह पे, झूले वाली जगह पे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा झूला नहीं झूलती, मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में, और लेकिन क्या था कि बच्चे बहुत देर से बोल रहे थे कि झूले के पास चलते हैं, झूला झूलते हैं। और चुनमुन के पापा थोड़ा ये लोग झूले के लिए कि हाँ थोड़ा सा झूला झूल के आते हैं, क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना उनका हमारे वाले शॉपिंग में मन कैसे लगेगा, नहीं लगता है, तो मेन लड़कों के लिए क्या होता है कि झूले ही होते हैं, तो ये लोग झूला झूलने चले गए। और ये देखिए ये मेरे पान वाली चीज़ है, जब जहाँ पे मैं गई थी पान खाने, मुझे वहाँ पे झूले के पास ही दिख गया ये, इन्होंने बहुत सही जगह पे, तो मैंने सोचा कि मैं फायर पान तो नहीं, मैं चॉकलेट पान ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मैंने चॉकलेट पान ट्राई किया। काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया था, पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे, मैं तो बस वही देख रही थी कि कितनी सारी वेराइटी ये डाल रहे हैं। और ये देखिए फाइनली चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं, फिर इसके बाद मोड़ वोड़ के ऊपर से और भी अच्छे से कुछ कुछ लगाएंगे, आई थिंक नारियल लगाएंगे, फिर इसके बाद हर्शेज़ का इन्होंने डाला हुआ है, डालेंगे ये डाले हैं, और मतलब यही सब चीज़ें, और बहुत टेस्टी पान था ये, और ये पान तो लगा कि मुंह में जाते ही बस घुल गया, बहुत मज़ा आया खा के। मैंने तो सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी कराया कि सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, काफ़ी यमी लग रहा था ये पान खाने में। और ये एक होता है ना कि आके अभी फिर मतलब जब झूला वूला झूल लेंगे तो फिर खाएंगे, और ये देखिए काफ़ी मज़ा दे रहा था ये। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा मैंने युग को भी ना टेस्ट कराया चॉकलेट, इसका पान तो नहीं बट चॉकलेट, क्योंकि काफ़ी यमी लग रहा था। और फिर मैंने सारा पान खा लिया और एकदम जाते ही मुँह में घुल गया, बहुत ही टेस्टी पान था ये। ये देखो मैं सबको टेस्ट करा रही हूँ, क्योंकि क्या था कि सब लोगों ने पान खाया था, बस अनु ने नहीं खाया था, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगा, और हम लोगों ने सब लोगों ने खा लिया था, तो बस मैंने खा लिया। और इसके बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे झूला झूलने के लिए, क्योंकि अभी बस झूला दिख रहा था, मैंने उसके पहले ही रोक दिया था सबको कि अभी थोड़ा मैं खा लूँ। और ये देखिए बड़ी वाली चरखी, इसको चरखी बोलते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, चरखी है, नाव है, और अब ब्रेक डांस बोला जाता है, टोरा टोरा, बहुत सारे झूले होते हैं, जो कि मैंने तो पूरे झूले कभी ट्राई भी नहीं किए हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो देखिए युग के पापा और चुनमुन ये दोनों एक झूले पे चले गए हैं, इस पे तो मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई थी उस समय कि पता नहीं कितना तेज़ घूमेगा ये देखिए, तो और ये पूरा ऊपर तक जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है, तो ये वो वाला झूला था, मुझे तो डर लगा था इस पे कि मैं तो इस पे नहीं बैठ पाऊँगी। और ये देखिए युग और हनु ये दोनों चले गए मिकी माउस पे, क्योंकि ये देखिए और क्या है ना कि युग हनु पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे युग की उस समय कि उसको युग को लेके जाना, खेलना उसके साथ में, तो क्या हुआ कि सारे बच्चे अपने अपने झूले पे अच्छे से झूल लिए थे, सबको बहुत मज़ा आया था, युग को तो काफ़ी मज़ा आया था, और बस मैं और नेहा बचे हुए थे, बाकी सबने अपने झूले झूल लिए थे। फिर देखिए मैं और नेहा चले गए एक झूले पे, जैसे युग के पापा और चुनमुन गए थे जिस झूले पे, उसी के बगल में जस्टी वाला भी था, सेम चीज़ थी, बट ये थोड़ा स्लो हो रहा था, और इतना स्लो हो रहा था ना कि मैं तो बाद में बोर हो गई थी इस पे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्लो है। और सेम चीज़ थी, ऊपर गया लेकिन डर नहीं लगा, हम लोग को डर लग रहा था कि नेहा भी डर रही थी कि नहीं नहीं आप जाइए रहने देते हैं, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती लेके गई कि अरे कुछ नहीं है, तो फिर देखिए कितनी ऊपर से चीज़ें दिख रही हैं,
बट बिल्कुल डर नहीं लगा था। ऑलमोस्ट पूरा ददरी मेला दिख रहा है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर जाके खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए थोड़ा जब ऊपर गए ना तब मज़ा आया, क्या था कि इतना स्लो था, इसके स्लो होने से थोड़ा बोर लग रहा था, लेकिन फाइनली जब ऊपर गए थोड़ा मज़ा आया, फिर जब नीचे जा रहे थे तो मज़ा आया, तो ऑलमोस्ट तो ठीक ठाक था, मज़ा आया मुझे। और ये बस मैं बस इसी इसी एक झूले पे गई, नहीं एक ट्रेन पे भी हम लोग गए थे। तो बनी रहिएगा मेरे वीडियो में।